बसमल्लर अनबी हरैरत खाला रसूल सल्हु वसलम वल़ नफ्सु महमदिन बदेही ला स्सम बहदुम बिन हाज़िल वला यहूदियम व नसरानी व माता वलम योमिन बिलज़ी उसिलत उर्सिलत बही काना मिनबिन नार अबू अब वुरा रज़ील्लाह से रवायत है कि रसूल्ला सल्ला व्लम ने फ़रमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है इस उम्मत का कोई फ़र्द हो या कोई यहूदी और नसरानी इनमें से जो शख्स भी मेरे बारे में सुन लेता है फिर उस चीज़ पर ईमान नहीं लाता जिसके साथ मुझे उसकी तरफ़ भेजा गया है और दुनिया से रुखत हो जाता है वो दो जख़ख वालों में से होगा ये रवायत सईीफा हमाम बिन मलबा से ली गई है और इसका रकम वहाँ इक्नवे है रसालत बासम ज़ीरा नुमाय अरब में मबूस हुए आपकी शख्सियत और आपकी दावत के दो पहलू हैं एक ये कि आपको जजीरा नमाय अरब पर इंज़ार के लिए भेजा गया आपको वहाँ इतमाम हजत करना था और अल्लाह ताला का जो कानून पैगंबरों के बारे में रहा है उसके तहत वहाँ के लोग पाबंद थे कि वो आप पर ईमान लाएं और अगर ईमान नहीं लाएं तो लाजमी नतीजे के तौर पर अजाब से दो चार कर दिए जाएं दूसरा आपकी दावत का वो पहलू है कि जिसमें बाद के ज़माों में आपका पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है इस वक्त भी पहुंच रहा है अल्लाह की किताब कुरान मजीद मौजूद है लोग आपके बारे में सुन भी रहे हैं और उनको सुनाने की ज़िम्मेदारी भी हम मुसलमानों पर डाली गई है क़ुरान मजीद ने यह फरमाया है कि ये कुरान जिस तरह से अरबों के लिए था उसी तरह क़यामत तक सब इंसानों के लिए है और मोहम्मद वसल्लम रहमतुल आलमीन की हैसियत से आए हैं अब क़यामत तक उनकी दावत लोगों तक पहुँचाती जाती रहेगी लेकिन दोनों जगह लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है या जिस तकलीफ़ में वो मब्तला किए गए हैं उसकी नौीयत अलग अलग है यहाँ पर जजीरा नुमा अरब में जो लोग थे उनके बारे में बयान किया जा रहा है यानी ये इस ज़माने के या बाद के ज़मानों के यहूद नसारा या मशीन यहाँ ज़ेर बहस नहीं वो चीज़ ख़ुद हाजिर इलामा के अलफा से वाज है तो सबसे पहले ये देखिए कि इस उम्मत का कोई फ़र्द हो इस उम्मत से क्या मुराद है यानी बनी इसमाइल का कोई फ़र्द रसूलुल्लाह सल्लम की बेसत असला बनी इस्माईल के लिए हुई थी तो बनी इसमाइल का कोई फ़र्द मक्का या मक्किन क़ुरान में कहा गया है तो फ़रमाया कि बनी इसमाइल का कोई फ़र्द जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग थे इन्हें हाज़िल उम्मा इसी ताल्लुक की बुनियाद पर कहा है यानी इनके लिए इस उम्मत को या सामने खड़े हुए हैं लोग और किसी मौके पर ने यह फरमाया है कि इन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है मेरी बेसत इनकी तरफ हुई है इन तक मेरी बात पहुंच गई है तो ये पाबंद हैं कि मेरी बात सुने फैसला करें अगर ये इस मामले में ग़लत फ़ैसला करेंगे तो नतज भुगतेंगे बिल्कुल यही बात पुराने मजीद ने शूरा तौबा में बयान की है यानी जब बड़े पैमाने पर दावत पहुंचा दी गई यहाँ तक कि हज अकबर का ऐलान भी हो जाए तो फिर ये फरमाया कि वही नाहद मिनलमशरकिन इस तजारक इन मशरकिन में से अगर कोई एक शख्स भी आके ये कहता है कि मुझ तक बात नहीं पहुँची या मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ सका तो उसको अल्लाह का कलाम सुनाया जाएगा तो ये फरमाया है कि हर शख्स मुकलफ़ है यानी जजीरा नुमाय अरब में किसी शख्स के लिए अब माजरत की गुंजाइश नहीं रही इस उम्मत का कोई फ़र्द हो या कोई यहूदी और नसरानी यानी जज़ीरा नुमाए अरब का कोई यहूदी और नसरानी जिसमें आपकी बेसत हुई और जिसके लोगों पर आपने बराह रास्त इतमाम किया यही मामला उन कौमों का भी है जिनको आपने ख़तूत लिख कर अपने ऊपर ईमान लाने की दावत की बाद के लोग यहाँ जेर बहस नहीं हैं उनका मामला उसी के मुताबिक होगा जिस हद तक खुदा की हजत आपके मामले में उन पर पूरी हो जाएगी यानी वो लोग के जिनको पैगम्बर का दौर नसीब हुआ जिन्होंने आपको देखा या उनके लिए देखने का मौका था यह समझ लेना चाहिए कि मेरा दावत पहुंचाना, आपका दावत पहुंचाना, ये पैगंबर के दावत पहुंचाने से बिल्कुल मुख्तलफ है बाद लोग इतमान के साथ कहते हैं कि क्या खत लिखने से इतमाम हजरत हो जाता है पैगंबर के ख़त में और मेरे और आपके खत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैं इस्तलाल करूँगा तारुफ़ कराऊँगा अपना फ़हम बयान करूँगा हर आलिम हर तालब इम यही करेगा पैगम्बर कहता है मैं खुदा की तरफ से आया हूँ मुझसे बात करनी है तो आओ करो मेरे साथ खुदा की माइत को आँखों से देख सकते हो ये मामूली बात नहीं होती तो रसालत माँ आपली वसम ने जिन लोगों को दावत दी जजीरा जजी अरब के लोगों को दावत दी पहले जजीरा नुमाए अरब के अहले किताब और नसरानियों को दावत दी पेश में जो अकवाम थी उनको दावत दी फिर उन्हें मोहलत दी बाकायदा और उनके सामने खुदा की माइत का जहूर हुआ इसको उन्होंने आँखों के साथ देखा ये वो दायरा है जिसमें आपने ये फरमाया कि इसमें इस उम्मत के यानी बनी इसमाइल के लोग हों या कोई यहूदी या नसरानी हो इस दायरे में जिन पर मैंने इतमाम हजत कर दिया है अब हर शख्स इस बात का मुकलफ़ है कि वो मुझ पर ईमान लाए अगर वो मुझ पर ईमान लाए बग़ैर दुनिया से रुखसत हो जाता है फिर उस चीज़ पर ईमान नहीं लाता जिसके साथ मुझे उसकी तरफ भेजा गया है और दुनिया से रुख़त हो जाता है वो दो वालों में होगा यानी इन लोगों का फ़ैसला दुनिया में भी होगा और क़्यामत में भी इनका फ़ैसला हो गया तो आपने ये फरमाया फरमायानि जजीरा नुमा अरब का कोई यहूदी और नसरानी जिसमें आपकी बेसत हुई और जिसके लोगों पर आपने बराह रास्त इतमाम हजत किया यही मामला उन कॉमों का भी है जिनको आपने ख़तूत लिख कर अपने ऊपर ईमान की दावत दी बाद के लोग यहाँ जेर बैस नहीं हैं उनका मामला उसी के मुताबिक होगा जिस हद तक खुदा की हजत आपके मामले में उन पर पूरी हो जाएगी यानी दावत पहुँच रही है किस तक पहुँची कितनी पहुँची उसमें रुकावटें क्या थी आजार क्या थे वो सब क़्यामत में सामने आएंगे तो उन लोगों का मामला मुख्तल है जो आप तक पैदा होंगे उन तक बात कितनी पहुंची है कैसे पहुंची है इसके लिहाज से वो मुकल्लफ़ ठहराए जाएंगे लेकिन रसूलुल्लाह के ज़माने में ऐसी कोई रियायत बाकी नहीं रही थी इसमें ये जो लिखा गया है कि उनमें से जो शख़्स भी मेरे बारे में सुन लेता है यानी उसको ये ख़बर पहुंच जाती है सुन लेता का मतलब क्या है यानी उसको ये ख़बर पहुँच जाती है कि वो हस्ती इस वक्त दुनिया में मौजूद है जिसे उन लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है जिनका एक फ़र्द वो भी है यानी ये ख़बर उसको पहुंच जाती है कि इस वक्त दुनिया में खुदा का रसूल मौजूद है और मैं वो शख्स हूँ या उस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसकी तरफ ये रसूल अल्लाह ताला की तरफ से आया है ये मामूली ख़बर नहीं है ये पहुंच जाती है तो इसके बाद अब आखिरी चीज़ ये है कि फिर वो दोजख वालों में से होगा इसलिए कि रसूलों की तरफ़ से बर रास्त इतम हजरत के बाद किसी शख्स के लिए कोई उज़र अपने परवरदिगार के यहाँ पेश करने के लिए बाकी नहीं रहता यानी चूँकि रसूलों के इतमाम हजरत के बाद फैसला हो जाता है वाज हो जाती है बात तो दुनिया में भी सजा का फैसला होता है बरस में भी सजा का फैसला हो जाता है और क़्यामत में भी जजा सजा का फैसला हो जाता है ये बात है जो इसमें बयान की गई है रसूलुल्लाह सल्लम के दुनिया से रुसत हो जाने के बाद बाकी कौमों के साथ अब मामले की नौीयत बिल्कुल मुख्तलिफ है उनके बारे में कुरान मजीद ने यह कहा है कि उन्हें इंतजार किया जाए अल्लाह की बात पहुँचाई जाए कुर मजीद उन्हें पढ़ के सुनाया जाए कुर मजीद का इब्लाग उन तक किया जाए लेकिन उन जुम्मन बही ममम बलग फिर उसके नतीजे में हर शख्स के साथ अल्लाह ताल उसके हालात के लिहाज से उसके आज़ार के लिहाज से उसके ज़ैनी पस मंज़र के लिहाज से मामला करेगा वाखिर अलहमदी